प्यारे विद्यार्थियों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 5 ई की मात्रा करेंगे। जैसे ई, बड़ी ई की मात्रा है, जे बड़ी, हम इसको क्या बोलते हैं, बड़ी ई, ईक। तो इसकी मात्रा कैसे होती है, पहले ऐसे और फिर ऐसे। हमने पिछली वीडियो में छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ा था, आज हम बड़ी ई की मात्रा में पढ़ें बड़ी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें थोड़ा सा दबाव दे के पढ़ते हैं, जैसे ई की मात्रा, क्या बोलते हैं इसको, बड़ी ई की मात्रा। जैसे ल को ई की मात्रा, च को ई की मात्रा, तो क्या बन गया, ली ची। ह को आ हा, थ को बड़ी ई की मात्रा, हाथी। प र को ई की मात्रा, परी। घ ड को ई की मात्रा, घड़ी। छ ड को ई की मात्रा, छड़ी। ल ड को ई की मात्रा, लड़ी। क ड को ई की मात्रा, कड़ी। ब ड को ई की मात्रा, भड़ी। च च को ई की मात्रा, ची ल। झ झ को ई ल। क क को ई ल, कील। ख ख को ई ल, खील। भ भ को ई ल, भील। म क ड ड को ई, मकड़ी। ल क ड को ई, लकड़ी। क क ड ड को ई, ककड़ी। ब क र र को ई, बकरी। न ग र र को ई, नगरी। न न को आ श, नाश। प प को आ पा, त त को ई, नाश पाती। द द को ई, प प को आ पा, व ल ल को ई, दीपावली। प प को ई पे, च क क को आका, र र को ई, पिचकारी। त र क क को आ, र र को ई, तरकारी। ग ग को ए, ल ह र र को ई, गिलहरी। आइए बोलिए और अंतर समझिए। हमने इसमें जो इस साइड लगा लिखा है वो छोटी ई की मात्रा लगाई हुई है और इस साइड बड़ी ई की मात्रा। हम आज ये देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में बोलने में क्या अंतर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो छोटी ई की मात्रा है उसको ज़्यादा दबाव से नहीं पढ़ेंगे, जो बड़ी ई की मात्रा उसको दबाव से पढ़ेंगे। जैसे द को ई, दि न, दिन। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए द को ई, दी न, दीन। ख को ई, खि ल, खिल। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए कैसे रीड करेंगे, ख को ई, खि ल, खील। म म को ई, मि ल, मिल। बड़ी के लिए म म को ई, मि ल, मिल। च च को ई, चे र, चिर। तो अगर बड़ी मात्रा हो तो च च को ई, ची र, चीर। ब ब को ई, बि न, बिन। तो अगर बड़ी मात्रा है तो ब व को ई, बी न, बीन। छ छ को ई, छे ल, छील। छ छ को ई, छी ल, छील। नीता की दीपावली।
द को ई दी, प को आ पा, व ल को ई ली दीपावली, पर पर, न को आ ना, न को ई नी नानी, अ को आ आ ई दीपावली पर नानी आई, न को ई नी त को आ ता नीता, इधर इधर उधर उधर, इत इत र को आ ई इतराई, न को आ ना न को ई नी नानी, ल को ई च को ई लीची, व न को आ श नाश, प को आ त को ई नाशपाती लाई, नानी लीची व नाशपाती लाई, फ को ई फे र फिर, क को ए के श केश, म को ए मे श मिश किशमिश, मी म को ई मी, ल को आ ला कर मी ला कर, च को आट चाट, व न को आ ई बनाई, न को आ न को ई नानी, अ व अब, ख को ई र खीर, ब न को आ ए ग गो ई गी बनाएगी, न को ई त को आ नीता, ज को ई जी भर भर कर कर नीता जी भर कर, ख को आ ए ग को ई गी खाएगी, न को आ न को ई नानी, द को ई पक दीपक, ज ल को आ ए ग को ई जलाएगी, न को ई त को आ नीता, फिर द को ई प को आ बली दीपावली मनाएगी। इसी के साथ हम इसकी अभ्यास करेंगे। जैसे चित्रों के सही नाम पर सही पर लगाइए, जैसे ये क्या बना है, शरीफा पपीता लीची, तो ये किसकी चित्र बना हुआ, पपीता का, तो इसके पपीता के आगे टिक कर देंगे। उसके बाद हाथी, तो हाथी कहाँ है, ह को आ थ को ई हाथी। उसके बाद गिलहरी, उसके बाद तितली, तो तितली कहाँ लिखा है, ये रहा तितली। उसके बाद दिए गए जिन चित्रों के नामों में ई की मात्रा आती है उन्हें ई से मिलाइए, तो किन किन के नाम पे ई की मात्रा आती है, जैसे लीची, बकरी, सीटी, सितार, इस पे नहीं आएगी, और इन तीनों पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। इसी से आपकी बड़ी ई की मात्रा का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।